श्री मनकामेश्वर मंदिर से अजय आवागढ़ के संयोजन में निकाली गई श्री खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा में फाल्गुन की झलक देखने को मिली। भक्तों ने बाबा की आरती उतारी, निशान को हाथ में लेकर पैदल यात्रा की और अबीर गुलाल उड़ाया। यात्रा रावतपाड़े से गुजरी तो श्री रामलीला कमेटी पदाधिकारियों ने संयोजक अजय आवागढ़ का पटका पहनाकर स्वागत किया और बाबा की आरती उतारी, जहां कमेटी के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। जी की यात्रा जो निकली वो बहुत ही सुंदर और सोहनी यात्रा थी और यात्रा के अंदर श्री रामलीला कमेटी ने भी स्वागत करने का आह्वान करा तो हमारे सारे पदाधिकारी आए और उन्होंने भगवान श्री खाटू श्याम जी की आरती की और लोगों का सम्मान किया। और यही महीने में उत्सव कैसे मनाया गया? अरे ये तो फागुन का महीना है तो फागुन में तो है ही कृष्ण भगवान की, तो ये तो पूरा महीना रंगों का है और रंगों से होली खेलते हुए चल रहे हैं सब लोग, यही आनंद है। रामलीला कमेटी के द्वारा आज खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है और फागुन का महीना है, ये होली का महीना है, रंगों की बरसात है और जो रंगों की बरसात है खाटू श्याम जी के भी ये रंग बरस रहे हैं, ये पूरे आगरे में जो शोभा यात्रा में रंग बरस रहे हैं और ऐसे ही वो रंग खाटू श्याम जी जो बरसाते रहे। ऐसा हाँ पूरे देश में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र के अलावा ऐसा सब और कहीं भी नहीं मनाया जाता जितना ब्रज क्षेत्र मनाया जाता मथुरा वर्षाली इधर ये रंगों का तो ये त्योहार है ही पूरा। शोभा यात्रा के अगले पड़ाव में श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार ने माहेश्वरी साइकिल मेडिकल स्टोर पर जोरदार स्वागत सम्मान किया और भक्तों को शीतल पेय पदार्थ बांटकर सेवा की। इसी के साथ श्याम बाबा की आरती उतार कर अपनी धार्मिक भावनाएं प्रकट की। शोभा यात्रा का भव्यता के साथ श्री खाटू श्याम मंदिर पर समापन हुआ। जय जय श्री राधे बोल के राज धरने की जय। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, श्री गिरिराज सेवक मंडल परिवार ने आज श्री खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा का यहाँ महेश्वरी साइकिल स्टोर पर भव्य स्वागत किया है। उसके लिए मैं सभी सेवक मंडल परिवार के भाइयों का अभिनंदन करता हूं और खाटू श्याम जी की जो शोभा यात्रा आज निकली है वो अपने आप में एक विशाल शोभा यात्रा है, जिसका संचालन जिसके संयोजक श्री अजय गर्ग आवागढ़ वालों ने नेतृत्व में हो रहा था, बड़े इत्मीनान से और बड़े कर्तव्य पालन से आज ये शोभा यात्रा जो निकली गई है अपने आप में एक अलौकिक शोभा यात्रा है और हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्वागत करने का, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय जय श्री राधे। और फागुन का है, फागुन का महीना ब्रज क्षेत्र में क्या क्या कारण था? फागुन के महीने में फागुन तो ये ब्रज का एक दिल है, जो हमारे बारह मासी महीने हैं उसमें ब्रज के लिए एक दिल है, ये फागुन का महीना जो ब्रजवासी पूरे दिल और जान से फागुन के महीने के उत्सव को मनाते हैं और ठाकुर जी का रसपान करते हैं, ये होली मिलन और हर्षोल्लास के साथ में रंगों का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर महीना होता है फाल्गुन का, जिसमें ये अलौकिक कार्य होते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इसी के जरिए इन्हीं उत्सवों के जरिए हम अपने सनातन धर्म को बचाए रखें और इसका प्रचार करते रहें। यात्रा में आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो भी हमारे ठाकुर श्याम के भक्त प्रेमी हैं उनके अंदर बहुत ही विशेष उत्साह था और आज ऐसा देखने को मिल रहा था जैसे कि पूरा आगरा शहर मानो हमारे बाबा के चरणों में और आज यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा हो। मेरा बारह महीने यात्रा निकलती है और आगरा ऐसा क्षेत्र है आपका यहाँ पर यात्रा का बड़ा स्वागत किया था, आपको तो सौभाग्य की बात है आपके लिए। तो बिल्कुल हमारे आगरा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जैसे भी सनातन धर्म में जो भी विशेष पर्व और त्योहार आते हैं उस पर आगरा वाले और आगरा के ब्रज पास होने की वजह से आगरा के जो ब्रजवासी हैं वो उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है और यही हमारी संस्कृति को बचा के रखे हुए है, ये भी मेरा मानना है। और ऐसे आयोजन
हमें सनातन धर्म में हमेशा करते रहने चाहिए। आपका जो प्रस्थान है ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी यात्रा छोटी से लेकर बड़ी तक निकलती है उसका सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। जी हमारा एक पितरों का सौभाग्य कह लीजिए जिन्होंने एक नींव जो रखी हुई है जिसका हमको बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो भी हमारे अंदर आत्म प्रेम है ठाकुर के प्रति वो हमारा हमेशा रहता है।